नोरा फतेही अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड हैं इसका अंदाज आप हाल ही में रिलीज हुए भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के उस मोशन पोस्टर से लगा सकते हैं जिसमें उनके माथे से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। नोरा के चेहरे पर दिख रही वो चोट कोई ग्राफिक से बनाई हुई या फेक नहीं थी। इस मोशन पोस्टर में देखी नोरा फतेही के चेहरे पर वो चोट असली थी। नोरा के चेहरे से टपकते खून ने उनके भाव को बहुत ही रियलिस्टिक बनाया। इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का मोशन पोस्टर कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया था। इसमें नोरा फतेही सहित अन्य कलाकारों का पहला लुक रिलीज किया गया जहां अलग अलग लुक पीरियड ड्रामा के लिए टोन सेट करते हैं। वहीं हिना रहमान के रूप में नोरा फतेही का लुक विशेष रूप से एक अलग ही कहानी बयां करता है क्योंकि अभिनेत्री ने अपने कैरेक्टर के लिए अपने माथे पर असली चोट को दर्शाया। चोट लगने की दुर्घटना का खुलासा करते हुए नोरा फतेही ने शेयर किया, हम एक एक्शन सीक्वेंस शूटिंग कर रहे थे और निर्देशक के कैमरे के साथ एक ही टेक में दृश्य को शूट करना चाहते थे। मेरे सह अभिनेता और मैंने एक्शन कोरियोग्राफी का पूर्व अभ्यास किया जिसमें उन्होंने मेरे चेहरे पर एक बंदूक रखी थी। मैंने उनके हाथों से बंदूक झटके से निकाल कर रिहर्सल के दौरान सब सही था जो वास्तविक टेक से 5 मिनट पहले था। हालांकि हमने वास्तविक टेक को रोल करना शुरू कर दिया तो अभिनेता ने गलती से मेरे चेहरे पर बंदूक फेंक दी। धातु की बंदूक का आखिरी छोर जो वास्तव में भारी था मेरे माथे पर लगा जिससे चोट लग गई और खून निकलने लगा। इस घटना के तुरंत बाद नोरा को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि चोट के कारण सूजन और खून बह रहा था। दर्द के कारण वो लगभग बेहोश भी हो गई थी। संयोग से चोट ने फिल्म के लिए एक अनुक्रम के रूप में काम किया जहां VFX के प्रयोग से नोरा को शीशे से चोटिल करना था। वहीं टीम ने वास्तविक चोट का इस्तेमाल कर सीन को पूरा किया। एक और दिलचस्प किस्सा बताते हुए नोरा फतेही ने बताया कि उस दिन के बाद हमने एक और एक्शन सीन के लिए शूटिंग की। ये एक चेंज सीक्वेंस था जिसमें दौड़ने एक्शन और तेज गति से चलना था। शूटिंग के दौरान मैं अपनी उंगलियों को बुरी तरह से घायल करके गिर गई थी जिसकी वजह से मेरी पूरी शूटिंग के दौरान एक स्लिंग पहननी पड़ी। कुल मिलाकर यह एक शारीरिक रूप से कठिन सीक्वेंस था जिसपे मुझे बहुत चोट लगी थी क्योंकि मैंने अपने सभी दृश्यों को बिना किसी स्टंट डबल के खुद ही अंजाम दिया था। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नोरा ने एक बहुत ही प्रभावशाली रोल अदा किया है। पहली बार नोरा स्क्रीन पर उस अवतार में दिखाई देंगी जिसमें अभिनेत्री को पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही किसी ने देखने की उम्मीद की थी। विश्व स्तर पर नोरा ने अपने डांस और अभिनय की छाप छोड़ी जिससे उनके सामने नए प्रोजेक्ट्स के रास्ते खुल गए हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के अलावा नोरा फतेही की झोली में कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है।